हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ फिश पैराडाइज में, जो औंड गांव में है। सिटी इंटरनेशनल स्कूल के नीचे है ये। तो ये नया स्टोर है, इनका सेकंड ब्रांच है ये। और यहाँ पे अभी बहुत सा फिश स्टॉक है, तो वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो सेकेंड ब्रांच है वो चिंचवाड़ में है, फिश पैराडाइज नाम से। और इनका वेबसाइट लिंक भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो चलिए अभी ये न्यू स्टोर में एंटर करते हैं। और आप एंटर करके ही देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सा फिश स्टॉक्स है इनके पास, और अपर सेक्शन भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये इनका पूरा ड्राई सेक्शन है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पहले यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं। हाय दिलीप सर। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग सर। तो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ये सेकंड ब्रांच के लिए। थैंक यू। फिश पैराडाइज के। और मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस हॉबी में कब से हो? हॉबी में तो बहुत सालों से है। पहला आउटलेट मैंने 2004 में चालू किया था। ओके। चिंचवड़ पुणे में। अच्छा। जो अभी भी रनिंग है। हाँ। जो हम लोग प्लांटेड और अंडर वाटर गार्डन और ये सब हम लोग का स्पेशलिटी है। अच्छा। उस ब्रांच में। ओके। तो ये अभी कमर्शियली हम लोग पुणे के अंदर के तरफ आने के लिए एक आउटलेट अभी आउट में चालू हुआ है। ओके। पिछले 7 days हुआ ये ओपन करके। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे और एक्वास्केप के भी टैंक्स देखने मिलेंगे हमें आगे? एक्वास्केप के टैंक जरूर मिलेंगे, लेकिन उसको 1 महीना जाएगा। ओके। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है, इक्विपमेंट्स कुछ कुछ आ रहे हैं उसके। अच्छा। तो टैंक सेटअप 4 एक्वास्केप के टैंक्स आपको देखने मिलेंगे। ओके। वो स्टेट ऑफ द आर्ट पोजीशन में वो टैंक्स रहेंगे। ओके। लेकिन वो डेवलप होने में 1 month जाएगा। या। और आप फिलहाल अभी कोई आया कस्टमर तो टैंक सेटअप भी करके मिलेगा? हाँ, राइट। आपको टैंक सेटअप और उसके प्रोफेशनल चार्जेस के हिसाब से सारी चीजें मिलेंगे। या। सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके। जो कोई भी जो रिक्वायरमेंट है व्यूअर्स हमें बता सकते हैं। या। तो उनको हम लोग उपलब्ध करेंगे। कैनिस्टर फिल्टर्स, प्रोडक्ट, सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके ओके। और आपका ये स्टोर का टाइमिंग्स क्या है? ये मॉर्निंग 11 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock तक है। ओके। और ऑल डेज अभी चालू है। अच्छा, ऑल डेज ओपन है। ऑल डेज ओपन। ओके ओके। तो ठीक है फिर, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आपका ये फिश स्टॉक मैं अभी कवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। या एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी यार सर। या थैंक यू। या तो फ्रेंड्स, ये पूरा इनका टैंक्स का सेक्शन है। तो फर्स्ट टैंक यहाँ से अपन कवर करते हैं अभी। तो ये ब्लड रेड पैरट्स है, जो अराउंड 3 to 4 inches के हैं और सब हेल्दी फिशेस है। और इसमें एक टैटू पैरट भी है, ये देखिए, ये कुछ 4 inches का है साइज में। तो और SRD फ्लावर रन भी है इसमें, एक अराउंड 4 inches, ये देखिए। और ये सब पैरट्स बहुत ही एक्टिव है। और ये फ्लावर रन, इसका भी अच्छा हेड पॉप हुआ है। तो आपको यहाँ पे सब टाइप के फिशेस मिलेंगे, सिकलेट्स भी मिलेंगे। और प्राइजेस के लिए आप जरूर यहाँ पे विजिट करके आप एक बार देखिए, बहुत से स्टॉक्स देखने मिलेंगे फिशेस के। और ये रेड टेल ब्लैक शार्क है, और इसमें अल्बिनो शार्क भी है, जो अराउंड सब 4 inches के हैं और सब ये हेल्दी फिशेस है। और इस टैंक में गोश फिश है, ये भी अराउंड 4 inches के हैं, तो इनका भी साइज अच्छा खासा बढ़ता है। और नीचे के सेक्शन में सिल्वर डॉलर्स है, जो अराउंड 3 inches के अभी, और अच्छा खासा स्टॉक है इनका भी। और ये सिल्वर शार्क्स है, ये भी 4 inches के साइज में है। तो ये पूरा सेक्शन हो गया जो मैंने आपको अभी दिखाया। और भी यहाँ पे कुछ टैंक्स है, और बैक साइड में भी है मेरे टैंक्स। तो इसमें ये येलो डिस्कस है यहाँ पे, और ये कुछ 4 inches के है, देखिए किस तरह से ऊपर आ गया, और बहुत ही एक्टिव है ये। तो डिस्कस का भी बहुत सा स्टॉक है। और ये गोल्डन पलर वाना है यहाँ पे, जो अराउंड 8 inches का रहेगा। और इस टैंक में सब सिल्वर अरवाना है,
तो बहुत से लोग को स्मॉल साइज में चाहिए रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और बड़े साइज में भी अरवाना है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये अराउंड सब 6 inches के हैं, 6 to 8 inches। और ये देखिए, ये SRD फ्लावर है, 4 inches का, इसमें हेड अच्छा पॉप हुआ है, पैटर्न भी आप देख सकते हो। और ये यूयो लोच है यहाँ पे, जो अराउंड 2 inches के है, 2 to 3 inches। तो ये भी बॉटम में रहते हैं जान मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे जेब्रा लोच हो गए या कुली लोचेस हो गए। और इस टैंक में डैनियल्स है, सब ऑलमोस्ट पिंक डैनियल्स है इसमें, और कुछ येलो है अभी। ये देखिए जो ग्लो हो रहे, तो पूरा टैंक डैनियल्स से भरा है। और ये एक और एक सेक्शन है जिसमें बड़े वाला टैंक। तो ये जो टैंक साइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब 4 feet के टैंक्स है, और ये सब फिशेस को जो ऊपर के है, ये सब 4 feet के टैंक्स में रखा हुआ है। ये स्मॉल साइज के डिस्कस है यहाँ पे, ये बड़े साइज के है 4 to 5 inches के। और ये पूरा मिक्स स्टॉक है, वाइट फेस रेड मेलन डिस्कस भी है, ये देखिए इसमें टर्कोइज भी है और ब्लू डायमंड भी है, ये देखिए सब ये हेल्दी फिशेस है। यहाँ पे भी एक डिस्कस है, और ये एक है टैंक जिसमें रमिनोस टेट्रा है और हार्ली क्वीन है। और इस टैंक में नियॉन टेट्रा है, ये भी पूरा टैंक नियॉन टेट्रा से भरा है। तो ये टैंक जो है इसमें सब कलर स्ट्राइप विडोज है, इसमें मरून है और ऑरेंजिश भी है, ये सब अराउंड 1 inch और 1 inch से थोड़े बड़े साइज में भी है। और इस टैंक में पिंक विडोज है, तो ये ग्लोइश कलर है इनका, देख सकते हो लाइट में कैसे ग्लो हो रहे हैं। इसमें कुछ वेल टेल विडोज भी है। तो ये बिग साइज के विडोज है इस टैंक्स में दोनों, तो ये पर्पल विडोज है, ये 1 inch प्लस सब है साइज, ये इनका 1.25 inch तक बोल सकते हो, ये देखिए। और इधर एक फ्लोरोसिन ग्रीन विडोज है और येलो विडोज है, ये भी सब बड़े साइज में है। तो विडोज का भी बहुत अच्छा स्टॉक है और सब कलर्स मिलेंगे आपको। और ये डिस्कस का स्मॉल साइज है, और ये बहुत ही एक्टिव है, ये देखिए, ये भी अराउंड 2.5 से 3 inches के साइज में है। और ये जो टैंक है इसमें बड़े साइज के सिल्वर डॉलर्स है, जो अराउंड रहेंगे 3 to 4 inches साइज में। फिन्स एकदम रेड कलरिश है बॉटम साइड में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बड़े अरवानास भी मिलते हैं, तो ये कुछ 1.5 feet का अल्बिनो अरवाना है, और इसका पर्ल्स आप देख सकते हो, और एकदम हेल्दी है ये। और इससे भी बड़े साइज के भी मिलेंगे अरवानास जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये भी, ये टैंक जो है अराउंड 5 feet का टैंक है, उसमें रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये स्मॉल साइज में रखा हुआ है इनको। तो हर एक फिशेस को अपने साइज के अनुसार उन्होंने टैंक में रखा हुआ है। तो ये जो अरवाना है ये 5 feet के टैंक में है, और इसका साइज है कुछ 1.5 feet का। तो इस टैंक में बनारसी क्लेट्स है, ये देखिए, और ये सब अराउंड 3 inches के, 3 inches प्लस है, और एकदम अच्छा कलरेशन है इनका और बहुत एक्टिव है। और इस टैंक में एंजल्स है, ये सब 3 to 4 inches के साइज में है, और नीचे ये पुरामी है जो अराउंड सब 2 inches के साइज में, ये देखिए। और इनका कलरेशन बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है ये, ये देखिए। और यहाँ पे जाइंट गुरामीज जो अराउंड सब 3 to 4 inches है, 4 inches के सब साइज में रेड आए जाइंट गुरामीज। और इस टैंक में अल्बिनो फायर रेड ऑस्कर्स है जो अराउंड 4 inches के है, ये भी मॉन्स्टर टैंक सेटअप करना है तो आपको ये ऑस्कर ये साइज के आप ले सकते हो। ये भी बड़े साइज तक जाते हैं, 8 to 10 inches तक जाते हैं साइज में। तो ये एक सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं ये साइड का एक सेक्शन है वो दिखाता हूँ। तो ये है
अगेन 5 फीट के टैंक में, ये अराउंड 2 फीट का सिल्वर अरवाना है, ये देखिए इसके पर्ल्स आप देख सकते हो, और फिन्स पे आप देख सकते हैं कलरेशन है बॉर्डर पे पूरा। तो ऐसे अरवानास के यहाँ पे स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज तक सब अवेलेबल है। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हो, तो ये लाइट्स भी आपको मिलेंगे, ये टीका के लाइट्स है। तो ये अराउंड लाइट ही कुछ 4 फीट का है लाइट ये, तो ये भी इनके यहाँ पे मिलेगा आपको। और भी बहुत से टाइप्स के लाइट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फीचर्स है जिसमें रैम्स है, और ये देखिए तो रैम्स में ये सब, इसमें शॉर्ट बॉडी भी है, शॉर्ट बॉडी गोल्डन रैम्स और नॉर्मल जर्मन रैम्स भी है। तो ये सब 1 से 1.5 इंच के साइज में है, और जो नॉर्मल रैम्स है वो अराउंड 2 इंचेस के भी है। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल कलरेशन आता है इनका, शॉर्ट बॉडीज में आप देख सकते हो अभी। और यहाँ पे ब्यूटीफुल से कलरफुल बोस्मानी रेम्बोज है, ये सब 2 इंचेस के हैं। और इस टैंक में और भी कलरफुल सिकलेट्स है, जिसमें स्ट्रॉबेरी सिकलेट्स है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, पीकॉक सिकलेट्स है, और ये बहुत एक्टिव है। और ये सब कुछ 3 to 4 इंचेस के साइज में है, बहुत ही कलरफुल है और हेल्दी स्टॉक है एकदम। और नीचे जो सेक्शन है यहाँ पे गोल्ड फिशेस है और रेड कैप ओरंडास भी है वहाँ पे। तो ये जो गोल्ड फिशेस है ये सब अराउंड 3 to 4 इंचेस के साइज में है, और इसमें भी एक रेड कैप ओरंडा है। और ये कोइज यहाँ पे, तो इसमें कुछ वेल टेल कोइज भी है, तो कोइज ये अराउंड 3 to 4 इंचेस है ये भी। ये देखिए आपको वेल टेल कोइज भी दिखेंगी इसमें। और इस टैंक में भी गोल्ड फिशेस है बड़े साइज के 4 to 5 इंचेस के, और रेड कैप ओरंडास है ये भी 4 इंचेस के, ये देखिए ब्यूटीफुल। तो इनका कलरेशन आप देख सकते हो, हेड पे जो जेली है वो भी आप देख सकते हो। और दो यहाँ पे है, फिश का सेक्शन था जो मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं आपको ड्राई सेक्शन इनका दिखाता हूँ। तो ये इनका पूरा ड्राई सेक्शन है, इसमें टेट्राबीट्स मिलेंगे आपको, फिर हिकारी के भी सब प्रोडक्ट्स है, ओकीको के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे फ्लावरॉन्स के लिए, और एवरीडे के प्रोडक्ट्स है पूजा ट्रेडर्स के। तो इसमें एवरीडे में भी आपको फ्रेश वाटर फिशेस से लेके टर्टल स्टिक भी है, और फर्स्ट मिल भी है बेबी फिश के लिए, और डिस्कस के लिए भी है। ये डॉल्फिन के ऑटो फीडर्स भी है यहाँ पे, ये सब साइलेंट एयर पंप्स है। तो ये बड़े साइज का है, ये मॉडल AP1501, और स्मॉल साइज में भी आपको मिलेंगे, ये देखिए। तो ये सब साइलेंट एयर पंप्स है, तो इनका नॉइज ज़्यादा नहीं आता। और ये जो पूरा सेक्शन है ये पूरा इंटरनल फिल्टर्स है यहाँ पे, इसमें ब्लू पेट के है स्मॉल साइज से लेके डॉल्फिन के भी है, और ये बड़े साइज के भी है डॉल्फिन के, 1200F 1200 मॉडल और ये 2000 मॉडल। तो यहाँ पे एटमैन के भी आपको इंटरनल फिल्टर्स मिलेंगे, और ये ब्लू पेट के भी है इंटरनल फिल्टर्स बड़े साइज के, ये देखिए। सारे API प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है आपको? अच्छा अच्छा, तो ये सब स्मॉल साइज में भी मिलेंगे आपको। और एक्वास्केपिंग रिलेटेड भी प्रोडक्ट ये है ना, टैबलेट्स है ना, CO2 के CO2 टैबलेट्स इस्टा, या तो फिश मेडिसिन भी मिलेगा आप यहाँ पे? API के सारे फिश मेडिसिन है, मेलाफिक्स, ओके, पाइमाफिक्स, या ये देखिए। और ये ऐसे फाइबर्स के आपको बुद्धा के स्टैचूज भी मिलेंगे, और ये देखिए ये प्लांट CO2, ये लिक्विड फॉर्म में, राइट? हाँ, ओके, फर्टिलाइजर है ये, फ्लोरा ग्रीन, ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, तो अभी ये रेनी सीजन में हीटर्स का बहुत यूज होता है, तो आपको स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज तक हीटर्स मिलेंगे RS में। ये 50 वॉट का है, 75 वॉट, 500 वॉट तक अवेलेबल है, ओके, 500 वॉट तक अवेलेबल है, ओके। और ये स्पॉन्ज फिल्टर भी है यहाँ पे, स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज तक अवेलेबल है। और ये पूरा आजू के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे अरवाना के लिए। तो ये सब एवरीडे के फिश फूड्स है, इसमें अरवाना के लिए भी है स्पेसिफिक,
और फ्रेश वाटर फिशेज के लिए भी है, ऑस्कर्स के लिए भी है, जैसे कार्निवरस फिशेज आप बोल सकते हो, ओकीको मलावी सिकलेट्स भी है यहाँ पे स्पेशली फॉर सिकलेट्स। तो अभी हम अपर सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये पूरा इनका अपर सेक्शन है जिसमें आपको और भी बहुत से टाइप्स ऑफ लाइट्स है यहाँ पे और फिश फूड्स भी है यहाँ पे। ये देखिए टॉप फिल्टर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे फॉर ये 1.5 फीट के टैंक के लिए बोल सकते हो, और ये बड़ा साइज है ये 2 से 2.5 फीट के टैंक के लिए। फिर RS के लाइट्स भी है यहाँ पे, और ये रेप्टाइल यूवी लैम्प्स है यहाँ पे जो आप टर्टल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ये ब्लू पेट का है। और ये पूरा यहाँ पे फूड सेक्शन है हिकारी का वापस, तो इसमें आपको A to Z सब मिल जाएगा, टर्टल से लेके ये फूड स्टिक्स है जो कार्निवरस फिशेस के लिए आप बोल सकते हो, और ये प्रोटीन रिच स्टिक्स है तो अरवानाज और फ्लावरॉन्स के लिए या फिर पीकॉक बास के लिए यूज़ कर सकते हो। बड़े पैकेट्स है, स्मॉल पैकेट्स है। फिर हिकारी में ब्लड रेड पैरट्स के लिए भी है, तो यहाँ पे भी कुछ स्मॉल साइज़ के पैकेट्स है। और ये ओरांडा गोल्ड है हिकारी का, ये भी बड़े साइज में भी पैकेट्स अवेलेबल है यहाँ पे। और ये डिस्कस के लिए है वाइब्रा बाइट्स, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है हिकारी का, स्मॉल साइजेस के टैंक्स के लिए नैनो टैंक्स में आप यूज़ कर सकते हो ये लाइट्स, ये जैसे कि बीटा टैंक्स भी बोल सकते हो, ये देखिए बाउल में भी यूज़ कर सकते हो, फाइबर के शोपीसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे भी पूरा एक शोपीस का पूरा सेक्शन है, तो ये सब बड़े साइज के है। अंदाजा मैं एक आपको बताता हूँ कि कुछ ये 1 फीट का रहेगा साइज इसका, और पीछे जो है ये 1.5 से 2 फीट के आसपास है, 1.5 फीट बोल सकते हो ये बैक साइड वाले। इसमें भी अलग अलग आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। और एक ये हॉलो ट्री है, ये देखिए, तो ये पूरा हाइट में 1 फीट के आसपास है, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है कलरेशन में भी, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और नीचे आपको सब ये फिल्टर स्पंज मिलेंगे जो टॉप फिल्टर्स के, और ये बड़े साइज के आपको कैनिस्टर फिल्टर्स मिलेंगे। तो इसमें अभी 250 है AM का, क्लासिक 250, फिर 350 भी है मॉडल, और क्लासिक 3600 भी है। तो जस्ट मेरे को ये पूछना था कि ये जो 250 है ये कितना साइज के टैंक के लिए सही रहेगा? 2 फीट टैंक तक 250 कवर करेगा। ओके, 2.5 to 3 फीट को 350 कवर करेगा। ओके 350, और 4 फीट टैंक को 600 कवर करेगा। ओके ओके, तो ये देखिए ये 600 वाला है, और ये शिरोबा के भी इधर कैनिस्टर फिल्टर्स है राइट? तो ये जो शिरोबा का है XB303, ये 2 फीट के टैंक के लिए सफिशियंट होएगा? 1.5 फीट टैंक। अच्छा 1.5 फीट के लिए, ओके। और आपको यहाँ पे टैंक्स भी मिल जाएंगे, ये देखिए ये कुछ बोल सकते हो 3 फीट का टैंक रहेगा, हाइट में ये 2 फीट रहेगा, और ये PFIT का टैंक है फुल वाइट कलर में। तो स्मॉल साइज के भी मिल जाएंगे आपको, जो इनिशियल स्टेज में जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हॉबीस्ट उनके लिए भी। तो ये देखिए 1 फीट के भी है, 1.5 फीट के भी है यहाँ पे, और ऐसे टर्टल टैंक्स भी मिलेंगे आपको जिसके अंदर पूरा फाइबर का शोपीस है, अंदर फिल्टर भी है। ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए, और इसमें फिल्टर भी आएगा। ये अराउंड कुछ 1.25 फीट का रहेगा, और इसमें बड़े साइज में भी अवेलेबल है, ये देखिए। तो ये देखिए आप मोल्डेड ग्लास में आपको मैं दिखाता हूँ, ये बीटा टैंक, तो जिसको 2-2 बीटास रखने हैं तो विद पार्टीशन यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो साइज रहेगा अराउंड कितना रहेगा ये अंदाजा? 1 फीट का साइज रहेगा, और हाइट कुछ 10 इंचेस के आसपास रहेगा। और ये टॉप से दिखाता हूँ, अच्छा खासा बड़ा है ये। तो वैसे टैंक्स भी मिलेंगे और बाउल्स भी मिलेंगे, मैं आपको अभी बीटास दिखाता हूँ नीचे जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट्स का पूरा नीचे सेक्शन है टीका लाइट्स का, तो ये 4 फीट से लेके बड़े साइज में भी है। ये कितना साइज रहेगा इसका? टैनिंग लाइट है, या लाइट होगा। अच्छा, तो ये अरवाना का टैनिंग लाइट है, ये देखिए ये 6 फीट का है, और बाकी 4 फीट में भी अवेलेबल है, 5 फीट में भी रहेंगे राइट? तो ये देखिए बहुत सा स्टॉक है यहाँ पे टीका लाइट्स का भी। और फिलहाल अभी यहाँ पे एक्वास्केप आने वाले हैं टैंक सेटअप्स, तो कुछ अभी मेकिंग में है और ऐसे ही अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये जो टैंक्स है अभी और कितना टाइम जाएगा ऐसा बनने के लिए? वन मंथ टू 1.5 मंथ जाएगा सेटअप होने के लिए।
अच्छा, CO2 सिलेंडर्स, रेगुलेटर, सारी चीजें अवेलेबल है सेल के लिए। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल अभी इसमें सिराई और ऑक्स है, राइट? हाँ। ओके ओके, और CO2 सिलेंडर्स भी अवेलेबल है? हाँ, ये एल्युमिनियम सिलेंडर्स है। ओके। जो नॉन रस्टिंग होता है। अच्छा, और इसमें स्मॉल साइज भी रहेगा? स्मॉल साइज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्मॉल साइज के भी आपको मिलेंगे CO2 सिलेंडर्स। तो चलिए नीचे जाके देखते हैं अभी। तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी अवेलेबल है इधर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो ऊपर जो टैंक दिखाया था बीटा का, वो है ये। और इसमें आप देख सकते हो ब्यूटीफुल नीमो कैंडी है, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो, ये ब्लू पेट का लाइट है, अराउंड ये 8 inches की लाइट है। तो ये देखिए बीटास, और भी बीटास है यहाँ पे प्लकार्ट में और ऑफ मून में भी। ये देखिए प्लकार्ट में है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हैं, यहाँ पे बहुत सा स्टॉक है। तो अभी मैं आपको सिलेक्टेड एक दिखा रहा हूँ, ये ब्लू में भी है प्लकार्ट में यहाँ पे। फिशेस का स्टॉक आते रहता है हमेशा, ये यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये भी ब्लू और मिक्स शेड है इसको फिंच में। तो ये डम्बोयर है और ये ऐसा डार्क ब्लूइश शेड है ये, और इसके टेल और फिंस आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये एक शाइनी सिल्वर में है ये बीटा, पूरा इसका बॉडी पैटर्न और ये फिंस देखिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के बीटास भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये टैंक्स भी अवेलेबल है और बाउल्स भी मिलेंगे जो आप देख रहे हो। ये जो अपर साइड का सेक्शन है जहाँ पे बाउल्स कुछ हो गए खाली और कुछ बीटास है, वो मैं ऐसे ही आपको रन थ्रू करके दिखा रहा हूँ। ये भी एक अच्छा बीटा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था फिश पैराडाइज फ्रॉम औंध। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए।